ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा वाइडर स्कोप है उसमें बहुत सारी चीजें अप होती है राइट ऑडिट प्लानिंग है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी से स्पेसिफिक और डिटेल्ड होगा राइट right? यहाँ पर स्पेसिफिकेशन और डिटेलिंग कम होगा ये मोटा मोटी सब कुछ क्या क्या काम करना है वो सारी चीजें यहाँ पर राइट right? चलिए वो समझते हैं सबसे पहले उसका मीनिंग दिया हुआ है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डिरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर ऑडिट प्लान यहाँ पर हम तीन चीजेंगे क्या क्या चीजें होगी क्या क्या ऐसी आइटम्स है जिसका हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें ऑडिट करना जरूरी है तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाएगी इन द स्कोप टाइमिंग कब क्या करेंगे राइट हमें रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट क्या है क्या हम हाफ ईयरली जो अगर खत्म हो गया तो क्या वो नवंबर में ही कंप्लीट कर देंगे इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन हम कब करने चाहेंगे योर एंड डेट पर या और किसी डेट पर तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड हो सकती है एंड डिरेक्शन की किस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना है कौन से एरियाज है जो रिस्की एरियाज है जहां पर कुछ गलत होने के चांसेस है कहां पर मटीरियल एरियाज जहां पर एसरसन हमें लेने ज्यादा जरूरी है तो वो डिरेक्शन भी हम डिसाइड कर पाएंगे तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में स्कोप क्या है टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट है वो डिसाइड किया जाएगा और इसके बेसिस पर ऑडिट प्लान बनाया जाएगा तो ये जो बॉक्स है ऑडिटर शेल एस्टैब्लिस एन ओवरऑल ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान सिंपल

रिसोर्सिस तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो पता चलेगा कि कौन से एरिया ऐसे है जहां पर हमें रिसोर्सिसप्लॉय करने चाहिए वहां पर कौन से रिसोर्सिस को डिप्लॉय करना चाहिए राइट तो वो दो चीजों का क्वेश्चन का आंसर है वो हमें यहां से मिल सकता है Uh, मतलब कि कहां पर वेर टू बी डेप्लॉयड 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 टू टू बी एंड राइट किसको हमें वहां पर डेप्लॉय करना चाहिए और कौन से एरियाज पर deploy करना चाहिए वो ओवरऑल ऑडिट ऑडिट्रेटेजी से पता चल सकता है जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर है उनको हाई रिस्क एरियाज में या फिर उन्होंने जो प्रीवियस ईयर में अगर कहीं पर काम किया है तो उस एरिया के लिए उनको अपॉइंट करना चाहिए इवन कॉम्प्लेक्स मैटर से तो वहां पर एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हैं

यहां से हमें पता चलेगा कि हाउ मच टू बी डिप्लॉयड कितने रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए ताकि जो रिस्क है वो हम कम कर पाए राइट तो वो भी हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से पता चल सकता है हाउ मच टू बी डिप्लॉयड मतलब जो रिस्क एरिया है वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम डिप्लॉय करेंगे इन्वेंटरी काउंट करना है तो इन्वेंटरी काउंट के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए जो मटेरियल लोकेशन से उसके लिए एक लोकेशन पे पांच लोग भी हो सकते हैं और एक लोकेशन में एक पर्सन भी जा सकता है राइट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो हाउ मच टू बी डेप्लॉड ओवरऑल ऑडिट से पता चल सकता है कब डिप्लॉय करना है राइट कुछ चीजें कुछ प्रोसीजर्स के लिए की कट ऑफ डेट मतलब की इन्वेंटर अकाउंट है तो जनरली थर्टी मार्च फर्स्ट अप्रैल को किया जाता है बाकी कुछ चीजें ऐसी होगी कि वो इंटरीम डेट पर भी हो सकती है जैसे कि या फिर सेल्स है तो इवन ड्यूरिंग द ईयर पूरा 23-24 का अगर हमें ऑडिट करना है तो 23-24 कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी हम पॉर्चेज या फिर सेल्स है वो वेरीफाई कर सकते हैं जैसे कि अगर नवंबर में फ्री है तो वहां पर हम आर्टिकल्स को भेज सकते हैं कि भाई आप जाकर ऑडिट कर आइए फॉर सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर मंथ तक मतलब का मतलब छह सात महीने का ऑडिट हो जाएगा <coughs>

टीम ब्रीफिंग मीटिंग मतलब कि क्या काम करना है कौन सी चीज क्या कौन करेगा वो सारी चीजें मतलब कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले टीम ब्रीफिंग मीटिंग होगी और जब ऑडिट खत्म हो जाएगा वो लोग ऑडिट करके आ जाएंगे तब टीम ब्रीफिंग मीटिंग होगी कि वो लोग क्या काम करके आए हैं क्या क्या मटीरियल ऑब्जर्वेशन उनको मिले हैं वो सारी चीजें टीम डी ब्रीफिंग मीटिंग में की जाएगी तो वो कब किया जाएगा वो भी डिसाइड हो सकता है राइट फिर दिया हुआ है कि हाव एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजमेंट रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड कि कब क्या मैनेजमेंट कब क्या काम करेंगे एंगेजमेंट पार्टनर कब क्या रिव्यू करेंगे वो सारी चीजें भी डिसाइड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में हो सकती है मैनेजमेंट रिव्यू और सुपरविजन के लिए है इसलिए वो वहां पर जाकर क्लाइंट के प्लेस पर जाकर रिव्यू uh, करेंगे या फिर जो आर्टिकल्स या फिर स्टाफ है स्टाफ है वो पूरा फॉर्म पर आकर वो काम देखेगा राइट और कब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इक्यूसीआर जो हमने

कहां पर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहिए सेकंड पॉइंट है उसमें हाउ मच रिसोर्सिसनेज सुपरवाइज एंड रिव्यूड तो इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट में वेयर एंड हाउ और वूम सॉरी फर्स्ट में कह सकते कि वेर एंड टू वूम वो हमें पता चलेगा सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हाउ मच रिसोर्सेज थर्ड है उसमें वेन द डेप्लॉयड एंड फोर्थ हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज सुपरवाइज डिरेक्टेड राइट तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आने के चांसेस है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी वो ऑडिटर को किस तरह से असिस्ट कर सकता है राइट right? क्लियर फिर दिया है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टाब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी

जो क्लाइंट है जिससे पता चलेगा कि हमारा क्या होगा। मतलब कि कहां पर वो इन्वेंटरी को रखते हैं ताकि पता चलेगा कि कहां पर हमें इन्वेंटरी काउंट के लिए जाना रहेगा राइट right, परचेज या फिर सेल कहां से होता है क्या टाइप की मटेरियल क्या चीज वो परचेज करते हैं क्या चीज वो सेल करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज वो सारी चीजें के बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा क्या क्या काम रहेगा और उसके बेसिस पर हमारा स्कोप बनेगा इट इज फॉर ऑडिटर्स टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट ओनली अ वेल आइडेंटिफाइड स्कोप कैन लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी अच्छे से स्कोप अगर हमने डिफाइन कर लिया तो उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी अच्छे से हम डेवलप कर पाएंगे आर मेनी ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप

उसमें इंडेस की रिक्वायरमेंट है तो वो एप्लीकेबल होंगे तो उस, उतना काम हमें देखने का बढ़ सकता है उस हिसाब से ऑडिट भी हमें करना रहेगा तो वो जो सेगमेंट कितने वो पता चलेगा ऑडिट का स्कोप डिफाइंड होगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाई इंडस्ट्री रेगुलेटर्स इंडस्ट्री के रेगुलेटर्स के हिसाब से अगर कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जैसे कि बैंक है तो बैंक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई के एक्ट वगैरह एप्लीकेबल होते हैं तो उस हिसाब से रिपोर्टिंग होगा वो इन डिटेल हम बैंक ऑडिट में डिस्कस करेंगे तो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें देखना होगा पता चलना चाहिए उस हिसाब से हमारा स्कोप डिफाइन होगा एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑप्टेंड इन प्रीवियस ऑडिट क्या क्या हमें प्रीवियस ऑडिट में जो एविडेंसेस मिले हैं हैं उसे हम इस बार यूज़ कर सकते है? अगर हाँ तो शायद उतनी प्रोसीजर हमारी कम हो जाएगी उतने ऑडिट एविडेंस हमें कम लेने रहेंगे जैसे कि अगर बोरोविंग्स अगर हमें चेक करने हैं तो बोरोविंग्स की जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर में अगर रिपेमेंट शेड्यूल जिस साल में वो लोन सेंक्शन uh, हुई थी अगर उस साल में हमने सेंक्शन लेटर और रीपेमेंट शेड्यूल देख लिया है तो वो रीपेमेंट शेड्यूल अगर हमारे पास अवेलेबल है तो सीधा हम बैलेंस चेक कर लेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो हमारा काम हो जाएगा तो प्रीवियस ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उससे भी हमारा काम कितना करना है या नहीं वो हमें पता चलेगा राइट तो ये सारे एग्जांपल्स दिए थे कि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर एंगेजमेंट का स्कोप डिसाइड हो सकता है ये आपको एज एग्जाम्पल पूछ सकते हैं मतलब कि ये एक क्वेश्चन बन सकता है और ये आंसर बन सकते हैं राइट right? चार एग्जांपल्स दिए तो वो भी आपको चार मार्क्स में पूछ सकते हैं सेकंड पॉइंट है द द रिपोर्टिंग ऑफ एंगेजमेंट एंगेजमेंट टू टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है किसको कब रिपोर्ट करना है कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट करना है क्या क्या कम्युनिकेशन की

तो टी टी टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग एनटी का टाइम टेबल क्या है कि कब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देंगे कब तक ऑडिट रिपोर्ट देना है एजीएम कब है वो सारी चीजें हो सकती है राइट right? ये तो हमने सारी मेजर चीजें बोली उसके अलावा भी हो सकता है कि परचेस यहाँ तक आप कंप्लीट करके दीजिए मतलब यहां तक सेल्स कंप्लीट हो जाएगा उसकी सारी रिपोर्टिंग इसकी सारा एंट्रीज वगैरह वो सारी चीजें हो जाएगी तो उस हिसाब से भी हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बन सकता है

रिपोर्टिंग किस तरह से रहेंगे कब तक क्या कौन सी चीज हम रिपोर्ट करने वाले हैं उस हिसाब से भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट जब जब हमारा ऑडिट जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है उस तरह से जो मैनेजमेंट है उनको भी उनके साथ भी डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि क्या क्या चीज हो चुकी है क्या करना है एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंगेजमेंट टीम में नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग एंड टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म इंटरनल मतलब की एंगेजमेंट टीम है उसमें क्या किस तरह से कौन काम करेगा कब उसका काम रिव्यू किया जाएगा राइट right? ताकि उसमें सुपरविजन या फिर चेंजेस करने हैं है, है, तो है? तो आपको ये आर्टिकल एक्स है उसको ये परचेज है पांच दिन में कंप्लीट करना है दस दिन में ये इन्वेंट्री कंप्लीट करना है सेल्स कंप्लीट करना है वगैरह वगैरह राइट right? तो उस हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पता चल सकती है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग क्या है राइट? Right? उसके बेसिस पर टाइमिंग क्या क्या रहेगा, कब तक क्या चीज़ ऑडिट की करनी है तो वो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को फ्रेम करने के लिए एक एप्लीकेबल फैक्टर हो जाएगा फिर थर्ड पॉइंट है कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डिरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स एंगेजमेंट ऑडिटर को मतलब कि एंगेजमेंट पार्टनर को जो भी लगता है कि यहाँ पर जो एंगेजमेंट टीम है उनके एफर्ट्स जाने चाहिए ये एरियाज जो है वो ज्यादा रिस्की है यहाँ पर कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट मिल सकता है तो उस एरियाज में उनका फोकस होना चाहिए एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स वहां पर लगाने चाहिए तो वो क्या फैक्टर से उसको भी ध्यान में रखना है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बन सकती है क्योंकि जो भी एरिया ज्यादा रिस्की फॉर एग्जांपल अगर सेल्स है वो ज्यादा रिस्की लग रहा है तो सारे ही एंगेजमेंट टीम के या फिर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके एफर्ट्स है वो सेल्स के तरफ होंगे तो सेल्स के लिए शायद ज़्यादा टाइम भी हम दे सकते हैं तो सेल्स से वो इंपॉर्टेंट <coughs> है उसमें एविडेंसिस ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्समेंट टीम टूवर्ड्स मैटर्स इन प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटीरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजर हेल्प ऑडिटर इन एस्टाब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ़ अकाउंट बैलेंस और डिस्कोर से वहां पर हमें खास ध्यान रखना है वो प्रीलिमिनरी आइडेंटिफाई किया मतलब कि रिस्क की है या फिर अंडरस्टैंडिंग ली है एनडीटी के बारे में तो तब तो वहां पर हम पता कर सकते हैं कि एरिया ऐसे एरिया से जहां पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए तो वहां पर एंगेजमेंट टीम के एफर्ट से वो आ, फोकस किया जाएंगे मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू ऑपटेन डिजायड आउटकम्स एक्साम्पल्स ट फॉर दर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल अगर जहां पर क्वान्टम बहुत ज्यादा है राइट right, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुए तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना ज्यादा एडवाइजेबल है अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे है तो ओवरऑल वो एरिया सेफ होगा वहाँ पर कुछ गलती होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है अगर ट्रांजेक्शन कम है बहुत ही इम है छोटी से क्वांटम है तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करने से बेटर है कि वहां पर आप 100 परसेंटेज वेरिफिकेशन करें राइट right? एक्चुअल में आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करें तो वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अगर रिलाई करना है तो इंटरनल कंट्रोल्स हमें पहले चेक करने चाहिए शायद उसमें कंपेरेटिवली कम टाइम जाएगा तो उस हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में फर्क पड़ेगा राइट right? फिर सेकंड एग्जाम्पल दिया है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच सचेस चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंडस्ट्री के जो ऊपर रेगुलेशन है वो रेगुलेशन में अगर कुछ भी चेंजेस आए हैं तो उसको भी कंसिडर करना रहेगा कि वो जो चेंजेस हुए हैं वहां पर ज्यादा फोकस करना होगा वो हमें देखना होगा समझना होगा और उसकी एप्लीकेबिलिटी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होती है या नहीं वो सारी चीजें हम देखेंगे फिर थर्ड एग्जाम्पल दिया है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सच सचेस्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले ए एस के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे अब उनको कंपल्सरली है तो AS to का कन्वर्जन है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा अदर सिग्निफिकेंट इलेवन डेवलपमेंट सच एस चेंजेस इन द लार्ज सॉरी लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी लीगल एनवायरमेंट है उसमें लो रेगुलशन कोई चेंज हुआ है उसकी इफेक्ट है इस एनडीटी को आती है तो वो भी रिस्की एरिया हो सकता है वहां पर कुछ गलत होने के चांसेस हो सकते हैं वो अच्छे से हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा तो वहां पर एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स है वो हम डिवोर्ट करेंगे राइट तो ये थर्ड पॉइंट था कि कंसीडरिंग द फैक्टर्स की ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि जहां पर एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स है वो आ, हमें डाइवर्ट करने है फोर्थ कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलीमिनरीजमेंट एक्टिविटीज एंड वेर एप्लीकेबल नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड बाई द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रिलेवेंट हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो की है ऑडिट uh, स्टार्ट करने से पहले या फिर ऑडिट को इन डिटेल स्टार्ट करने से पहले जो चीजें हमने समझी है देखी है या फिर और कोई ऑडिट में हमें जो सेम इंडस्ट्री में था या कोई ऐसे एरिया थे जो जहां पर कुछ गलतियां मिली है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है और जो एंगेजमेंट टीम है उसके एफर्ट्स वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं वहां पर ज्यादा काम कर सकता है तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से फ्रेम हो सकती है कंसिडरिंग रिजल्टरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट गोज अलॉन्ग वे इन एस्टाब्लिशिंग साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं

अगर कुछ भी गलतियां मिली थी डेफिशिय मिली थी तो क्या वो डेफिशिय अभी भी कंटिन्यू हो रही है या उसके लिए एक्सेंस प्रॉपरली लिए गए हैं राइट और अगर एक्सेंस लिए गए हैं तो वो एक्सेंस क्या लिए गए हैं, क्या जो अब वो डेफिशिय थी वो ओवरकम हो चुके हैं या हो चुकी है या नहीं वो भी हमें देखना रहेगा The manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence. Professional skepticism है वो तो हमें कोई भी audit में throughout the audit कम, uh, maintain करनी जरूरी है right questioning mind alert रहना है कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो तो वो भी हमें ध्यान में, में रखना है questioning mind कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें पूछते रहना होगा तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर भी हम एंगेजमेंट टीम को फोर्स करेंगे कि यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये चीज गलत हो सकती है राइट तो, तो ये फोर्थ पॉइंट था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज या फिर प्रीवियस कोई भी अगर सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी थी तो उसमें अगर कुछ चीजें पता चली है तो वो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फ्रेम करने में हेल्पफुल डिसाइड करना, करना होगा तो वो भी फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम में सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एस्टाब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कौन से रिसोर्सेस uh, अवेलेबल है और कहां पर उनको डिप्लॉय करना है एंगेजमेंट टीम है एक्सपीरियंस टीम में उनको हायर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट वाले एरियाज में डिप्लॉय करना चाहिए और शायद उनके साथ जूनियर को भी रखना चाहिए ताकि वो जूनियर है उसको भी एक्सपीरियंस मिले खास करके आर्टिकलशिप में आर्टिकल्स में जो है राइट right? तो आर्टिकलशिप में जो सीनियर है उनके साथ कोई जूनियर भी होना चाहिए क्योंकि जो सीनियर है मतलब अभी तो न्यू कोर्स के हिसाब से जो सेकंड ईयर में आर्टिकल है राइट right? वो नेक्स्ट ईयर तो छोड़ के चला जाएगा तो जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल है उनको भी ये चीज सिखा के जाएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अदरवाइज एंगेजमेंट पार्टनर या और कोई सीए होगा उनको ये चीज सिखानी पड़ेगी तो उस तरह से प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि ऑडिट भी अच्छे से हो पाए क्वालिटी भी मेंटेन हो पाए और जो हमारा जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी कम हो पाए

चीज है क्या क्या राइट तो ये पांच फैक्टर्स से जो इम्पोर्टेंट है जो हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो फ्रेम करने के लिए असिस्ट करेंगे ऑडिटर को राइट यहाँ पर ये उसकी समरी दी गई है सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट को डिसाइड करने के लिए जो आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स है उस एंगेजमेंट के उसके बेसिस पर स्कोप जहां पर डिफाइन होता है वो देखेंगे जैसे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है इंडस्ट्री के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है सेगमेंट्स क्या है वो सारी चीजें सेकेंड थी क्या है और उस हिसाब से टाइमिंग क्या रहेंगे ऑडिट के राइट हमें और पूरा ही एंगे जो क्लाइंट है उसका रिपोर्टिंग का टाइम टेबल किस तरह से है हमारा इंटरनली रिव्यू सुपरविजन का टाइम टेबल किस तरह से है क्या चीज क्या करेंगे वो टाइम अगर कुछ भी डिसाइडेड है तो वो सारी चीजें देखेंगे थर्ड थर्ड पॉइंट दिया था कि सिग्निफिकेंट एरिया सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है जहां पर एंगेजमेंट टीम के एफर्ट से वो लगा सकते हैं ऐसे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है हायर रिस्क एरियाज है तो वो क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे और वहां पर जो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स है वो uh, डाले जाएंगे राइट जहां पर रिस्क ज्यादा है या फिर लो में वगैरह में चेंजेस हुए हैं कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस हुए तो वहां पर ध्यान दिया ध्यान ज्यादा देना चाहिए फिर फोर्थ पॉइंट जो दिया था कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज या फिर प्रीवियस कोई ऑडिट हमने किया है तो उसमें जो हमने चीजें सीखी है समझी है उसको भी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं राइट right? उसके बेसिस पर हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे एंड फिफ्थ था एसरटेनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सिस टू बी डेप्लॉयड इन द ऑडिट राइट उसके बेसिस पर ये ये आपको में पूछ सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जांपल्स दिए वो भी आपको पूछ सकते हैं कोई एक फैक्टर है उसके एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकते हैं फिर ये इलेट्रेशन दिया है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा काफी सिंपल दिया है उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवरअप करेंगे होप आपको ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा उसमें दो चीजें हमने समझी है एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग था ओवरऑल ऑडिट जिस जो असिस्ट करेंगे ऑडिटर को फ्रेम करने के लिए और सेकंड की ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें रहती है क्या क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं मैटर्स क्या क्या रहेगी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में वो दो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछ सकते हैं और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का जो मीनिंग दिया है वो आपको एमसीक्यू करेक्ट एंड करेक्ट डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है क्लियर सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो सब्सक्राइब दिय चैनल एंड कमेंट इफ यू एनी डाउट सजेशन एंड रिव्यूज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इन डिटेल समथिंग है सो स्टेक यू थैंक यू सो मच